अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने हमने ना इन्वायरमेंटल साइंस का जो जनरल साइंस का पोर्शन है ना, वो तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने उसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन वगैरह हर चीज कर लिया। आज हम ना उसको कोई एक आध रॉक्स का टॉपिक है वो मैं आगे अर्थ के साथ पढ़ाऊंगा, रॉक्स मिनरल्स जो है, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस, नया पोर्शन बायोलॉजिकल साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने बायोलॉजिकल साइंस में एक तो आ रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, कि ह्यूमन बॉडी जो है उसके मतलब सिस्टम्स जो है उसके ऊपर, और उसमें इसके अलावा फिर सेल का टॉपिक आता है, बायो मॉलिक्यूल्स का टॉपिक आता है, और बायो फ्यूल्स का टॉपिक भी आता है। तो आज हम ना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा डिस्कस करेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली डील्स विद द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डील्स विद, इधर आप लिखेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम डील्स विद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उस ब्लड सर्कुलेशन को जो सिस्टम डील कर रहा है उस सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन ह्यूमन बॉडी, ब्लड क्या है होता है, ब्लड का फंक्शन क्या है, उसकी सर्कुलेशन किस तरह से होती है, ये सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट आ जाता है, इसके अलावा इसमें ब्लड आ जाता है, ब्लड यानी ब्लड इज द पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, ब्लड, और तीसरी चीज जो आ जाती है वो है ब्लड वेजल्स। तो ये तीन कंपोनेंट्स जो है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बेहतरीन अहम कंपोनेंट्स हैं, मतलब दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमने एक समरी ड्रॉ कर रहे हैं, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने समरी लिखनी है, उसके बाद हम फिर अलग-अलग पे डिस्कशन करेंगे। ब्लड जो होता है ह्यूमन बॉडी में दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये ब्लड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा, अच्छा 5 से 6 लीटर या डेसीमीटर क्यूब ब्लड ह्यूमन बॉडी में होता है, और उसमें ब्लड प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स 45% होते हैं। मींस के टोटल ब्लड जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा मेक्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स मेक 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। दिस ब्लड प्लाज्मा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वाटर व्हिच इज 90% इन ब्लड प्लाज्मा, देन प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स, दीज आर 7 to 8%
in blood, right? Proteins are basically 7 to 8%. And the last one is compounds and salts. Compounds, oblique salts, which are 2 to 3% in blood. So blood plasma consisting of three important components: water, proteins, and compounds or salts. और उनके परसेंटेजेस भी मैंने लिख दी. इसी तरह ब्लड सेल्स जो हैं, दे आर आल्सो थ्री टाइप्स: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. So blood cells are three types: red blood cells, white blood cells, and platelets. Yani your blood is divided into two portions: blood plasma and blood cells. Blood plasma is further divided into three portions, and blood cells are of three types. अच्छा अब ये आ गई है vessels. What are vessels? Vessels वो channels होते हैं जिनमें blood circulate कर रहा होता है. So these channels are of three types. ये चैनल्स तीन तरह के होते हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. दिस इज बेसिकली समरी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर आप देखें तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की एक समरी जो है मैंने इसके सामने ड्रॉ कर दी है, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है. ठीक है. अच्छा इसमें अब थोड़ा सा ये हमें देखना है कि इनको सेपरेटली हमने डिस्कस करना है. यानी ब्लड की ये कंपोजिशन तो मैंने डिस्कस कर दी है, ब्लड वेसल्स के बारे में जनरली बता दिया, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. ब्लड पे लहदा सवाल आएगा, आ सकता है क्वेश्चन सीएसएस के पेपर में, ब्लड की कंपोजिशन और फंक्शन. ब्लड वेसल्स पे लहदा आ सकता है, ह्यूमन हार्ट पे लहदा आ सकता है. तो अभी मैं ब्लड की कंपोजिशन पढ़ा दिया आपको, फंक्शन ऑफ ब्लड में आप करवाने लगे फंक्शन ऑफ ब्लड. अच्छा अगर मैं फंक्शन में जाऊं तो ब्लड प्लाज्मा जो है इसके क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, इट मेंटेन्स रिएक्शंस इन ब्लड. यानी ब्लड में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको ये मेंटेन करता है ब्लड प्लाज्मा. दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, ये ब्लड प्लाज्मा जो है ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस. यानी आपकी बॉडी में कितने सॉल्ट्स रहने चाहिए और कितने वाटर रहना चाहिए और कितना बॉडी से बाहर निकलना चाहिए यूरिनेशन की फॉर्म में, उसको ये मेंटेन करता है. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, इट इज अ मीडियम फॉर फ्लो ऑफ ब्लड सेल्स. देखिए ब्लड सेल्स फ्लो ही प्लाज्मा की वजह से कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लाज्मा जो है वो लिक्विड है, उसमें 90% वाटर है, और सॉलिड जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं. उनका फ्लो ही तब पॉसिबल है जब ब्लड प्लाज्मा होगा. ठीक है, ब्लड प्लाज्मा नहीं होगा तो ब्लड सेल्स फ्लो कैसे करेंगे? सो ब्लड प्लाज्मा प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर फ्लो ऑफ ब्लड सेल्स. ठीक है, ये तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. दिस इज पॉइंट नंबर वन, दिस इज पॉइंट नंबर टू, दिस इज पॉइंट नंबर थ्री. इसके बाद अगर आप आ जाए प्लाज्मा प्रोटीन्स पे,
प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जरा नोट कीजिएगा, ये देखिए मैंने अभी बताया कि इसमें 7 to 8% प्रोटीन होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, प्लाज्मा प्रोटीन्स कितनी तरह की होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स, अगर मैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को क्लासिफाई करना शुरू कर दूं तो 3 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एक है एल्ब्यूमिन, एक है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन ये प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। देखिए हम अभी ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं और ब्लड में भी हम ब्लड प्लाज्मा को पढ़ रहे हैं। और तीसरी होती है जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, अच्छा क्या बोलते हैं, अम्यूनो ग्लोबुलिन। इनको ना एंटीबॉडीज कह सकते हैं आप आम जुबान में, चले एंटीबॉडीज। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन मेन इनकी टाइप है जो कि मुख्य तरह की होती है, अभी उन पर बात करेंगे। लेकिन ये 3 तरह की प्रोटीन जो है प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, इनका क्या रोल है ये भी नोट कर लें। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, वही सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग जब अगर कहीं जख्म लग जाए तो उसको क्लॉट करवाने, ब्लीडिंग को रोकने के। एंटीबॉडीज का काम है डिफेंस, या यू कैन से मेंटेन इम्यूनिटी। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट डिजीजेस। इनको जैसे मैंने कहा अम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है, इसमें इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती है, ठीक है। ये जरा जेन में रखिएगा, दे हैव वेरियस टाइप्स, IgG, IgM, ठीक है ना। ये चीज सेम रखी है। बेसिकली ये जो एंटीबॉडीज होती हैं IgG, IgM, ये 2 तरह की है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वैसे तो इसकी बहुत सारी वेरियस टाइप होती हैं, लेकिन ये वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं यानी एंटीबॉडीज हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड में बनती हैं और हमें प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीज। जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तब भी यही एंटीबॉडीज हमारी ब्लड में बनती हैं और हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। ये आपने याद रखना है, दैट्स इट, ओके। ये इसका मतलब है कि प्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्लाज्मा के ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये हैं, इसके अलावा इसकी प्लाज्मा प्रोटीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर ब्लड सेल्स भी आ जाएं तो रेड ब्लड सेल्स की क्या फंक्शन है, कैरी ऑक्सीजन। इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है कॉम्बैट इंफेक्शंस, इंफेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करना। और प्लेटलेट्स का काम है थिकनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग। और थिकनिंग, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ऑक्सीजन को करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन आपको पता है Hb, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स सेल लेवल पे जाके ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन सेल में डिफ्यूज कर जाती है। जो सेलुलर ऑक्सीजन मिल रही है, सेल को ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, वो इसी रेड ब्लड सेल्स की वजह से हो रही है। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसमें आयरन है, उसकी वजह से हो रही है। और व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो आपकी बीमारी के अगेंस्ट बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं, जब जस्ट लाइक आर्मी, ये आपकी आर्मी की तरह है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड को ठीक करते हैं और उसके फ्लो को मेंटेन करते हैं, उसकी थिकनेस को रिटेन करते हैं, ताकि उसका फ्लो जो है वो क्या रहे,
मेंटेन रहे. सो दिस इज बेसिकली द फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड इन डिटेल. हमने अभी ब्लड के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी हमने ब्लड के बारे में तो पढ़ा है, ब्लड सेल्स में जो क्या फर्क होते हैं उनके हवाले से भी हमने बात करनी है. इसको जरा देख लें, आप पिक्चर ले लें इसकी, तो फिर आगे चलते हैं. पिक्चर लेके ग्रुप में शेयर कर दें. हो गया ले जी. लेट्स मूव टूवर्ड्स अदर टॉपिक दैट इज, ये हमने पढ़ना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और वेट प्लेटलेट्स में क्या फर्क क्या होता है. इनमें पांच पांच छह छह डिफरेंसेस हैं, वो हमने आज जो है वो पढ़ लिया. ठीक है जी. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो अभी पूरा होना ही नहीं है, अभी तो जब सारा कुछ पढ़ लेंगे तो तब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होगा. ये तो इसका एक कंपोनेंट हमने पढ़ा है ब्लड. ठीक है now we will discuss about differences in or you can say how to differentiate between blood cells ko kaise differentiate karna hai, ye dusra question hai jo aapke paper mein aa sakta hai. blood cells dekhiye ji blood cells.